वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पौधारोपण किया। उन्होंने सभी से स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत आसानी से 2030 तक पेरिस समझौते के मुताबिक 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। आज देश भर में वन महोत्सव का प्रारंभ होता है। जुलाई में वर्षा होती है तो ऐसे समय पे लगाए पेड़ बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इस साल जून के पिछले 15-20 दिन में बारिश कम हुआ है, लेकिन हमारी आशा है कि अब बारिश बहुत होगी। हम लोगों को एक ही अपील करेंगे कि वन महोत्सव में पेड़ लगाएं। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबस्क्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज पंजाब दी आवाज अजीत।